नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के आटे से कुछ क्रिस्पी सा बहुत ही टेस्टी नाश्ता। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और उसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल और अब डाला है 1 प्याज चॉप किया हुआ, काट कर भी डाल सकते हैं, मैंने चॉप किया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको आप मिक्सचर को घी में भी बना सकते हैं। अब इसमें डाली है मैंने 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च, बड़े साइज की हैं दोनों, गाजर और शिमला मिर्च। अब इसको मिला देंगे। ये हम फिलिंग बना रहे हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने डाली है इसमें 1 टेबलस्पून सॉस, केचप सॉस कुछ भी डाल सकते हैं। और डाला है हरा धनिया। सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब डालेंगे हम इसमें उबले हुए आलू। ये 4-5 मीडियम साइज के आलू हैं, बॉयल करके ग्रेट कर लिया है। जब आलू ठंडे हो जाए तब ग्रेट कर लेना, उबला हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब एक कढ़ाई ली है और उसमें डाला है 2 कप पानी और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन। और 1 टेबलस्पून ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल लो है यहाँ पर, पानी हमारा अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है और पानी को ज़्यादा गर्म करना भी नहीं है। हल्का सा ही गर्म हो जाए तभी हमने इसमें डालना है चावल का आटा। 1 कप है ये पूरा। फ्लेम को लो ही रखेंगे और धीरे धीरे इसको हिलाएंगे। अगर पानी उबल गया और उबलते हुए पानी में आपने चावल का आटा डाला तो इसमें गुठले पड़ने का डर है, गुठले पड़ जाएंगे। तो पानी हल्का सा ही गर्म हो जाए तभी आपने चावल का आटा डाल देना है और धीरे धीरे इसको हिलाना है। ये 1-2 मिनट में ही गाढ़ा हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो छोड़ना नहीं है आपने, हिलाते रहना है। तो 1-2 मिनट ही लगेंगे आपको। और जैसे ही ये कढ़ाई से अलग होने लग जाए वैसे ही हमने गैस बंद कर देनी है। तो देखिए पूरी तरह से ये कढ़ाई से अलग हो गया है। अब गैस को कर देंगे बंद और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ठंडा होने के बाद हाथों को चिकना करके अब हम इसे बनाएंगे।
अब थोड़ा सा पाट लेंगे चावल के आटे का जो हमने पानी में घोलकर बनाया है, और जैसा वीडियो में देख रहे हैं ऐसे हम इसके अंदर फिलिंग भर देंगे। चावल का आटा पूरी तरह से जो हमने बनाया है पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए, गर्म में मत करना, बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी आपने फिलिंग भरनी है। और हाथों को चिकना जरूर कर लेना। बस इस तरह से हमने गोल गोल बनाकर रख लेने हैं। तो ये देखिए हमने ये बना लिया है। इस तरह से इसमें कम से कम 12 पीस बनेंगे। अब तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम को आप कर देना मीडियम पर, तेल एक बार अच्छी तरह से गर्म कर लेना। और इनको आपने तब तक नहीं हिलाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से पक ना जाए। अगर आप कच्चे हिलाना शुरू कर दोगे तो ये टूट जाएंगे, मतलब टूटने का डर रहेगा इनमें। तो अच्छी तरह से जब पक जाए, नीचे से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। अगर कच्चा पलट दिया तो ये आपकी झर में भी चिपक जाएगा। तो ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इतना हमने फ्राई करना है। तो चावल के आटे की रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, काफ़ी क्रिस्पी बनती है ये। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।